उनकी नीतियां, उनके निर्णय, उनके संकल्प, उनके संकल्पों की सिद्धि स्वतंत्र भारत को दिशा देने में बहुत अहम रहे हैं। आज देश उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा है। साथियों, मुझे विश्वास है कि नए वाणिज्य भवन में आप एक नई प्रेरणा, एक नए संकल्प के साथ प्रवेश कर रहे हैं। ये संकल्प ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से ईज ऑफ लिविंग का है, और इस दोनों के बीच की जो कड़ी है वो है ईज ऑफ एक्सेस, सरकार के साथ संवाद और सरकार की सुविधाओं के लिए एक्सेस में किसी को भी असुविधा न हो, ऐसा ईज ऑफ एक्सेस देश की प्राथमिकता है। देश के नागरिकों को बेसिक सुविधाओं का एक्सेस हो, बैंकिंग में एक्सेस हो, सरकारी नीति निर्माण में एक्सेस हो, ये बीते 8 वर्षों के गवर्नेंस मॉडल का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। भारत ने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो नीतियां बनाई हैं, जो निर्णय लिए हैं, उसमें भी इसी विजन की झलक है। गांवों में, छोटे छोटे शहरों में मुद्रा योजना से बने करोड़ों एंटरप्रेन्योर्स हो, लाखों एसएमएसई पॉलिसी को और बैंक क्रेडिट के रूप में प्रोत्साहन हो, लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को बैंक क्रेडिट की सुविधा हो, हजारों स्टार्टअप्स की ग्रोथ के लिए निरंतर प्रयास हो, इन सभी के पीछे जो मूल भावना रही है वो है ईज ऑफ एक्सेस। सरकार की योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचे, बिना भेदभाव पहुंचे, तभी सबका विकास संभव है। मुझे खुशी है कि ईज ऑफ एक्सेस और सबका विकास की भावना इस नए वाणिज्य भवन में भी दिखती है। साथियों, आप सभी लोगों में एक टर्म बड़ा प्रचलित है, एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स, यानी काम करने का एक तय तरीका। पहले सरकारों का एसओपी समझा जाता था कि सरकार कोई प्रोजेक्ट शुरू करती थी, लेकिन वो तैयार कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। राजनीति स्वार्थ के लिए घोषणाएं कर दी जाती थी, वो पूरी कब और कैसे होगी इसको लेकर गंभीरता नहीं होती थी। इस धारणा को हमने कैसे बदला है उसका भी ये भवन एक उदाहरण है। और जैसा अभी बताया गया, आज ये संयोग है कि 22 जून 2018 को इस भवन का शिलान्यास हुआ था और आज 23 जून 2022 लोकार्पण हो रहा है। इस बीच में कोरोना के कारण अनेक अड़चनें भी आई, लेकिन इन सबके बावजूद भी जो संकल्प लिया था वो आज सिद्धि के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। यानी ये नए भारत का नया एसओपी है जिसका शिलान्यास होगा उसी दिन उसके उद्घाटन की टाइमलाइन पर ईमानदारी से काम शुरू हो जाता है। यहां दिल्ली में ही बीते सालों में ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे। अभी कुछ दिन पहले मुझे प्रगति मैदान के पास इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर के लोकार्पण का अवसर मिला है। सरकार के प्रोजेक्ट्स बरसों तक लटके नहीं, समय पर पूरे हों, सरकार की योजनाएं अपने लक्ष्यों तक पहुंचे, तभी देश के टैक्सपेयर का सम्मान है। और अब तो पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के रूप में हमारे पास एक आधुनिक प्लेटफॉर्म भी है। नए भारत की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस नए वाणिज्य भवन को भी हर संबंधित क्षेत्र में देश को गतिशक्ति देनी है।